एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कार्तिक मास का सातवां अध्याय लेकर आ रही हूँ और यही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्तिक व्रत के नियम अध्याय सातवां जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के अमीश और लुभावने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे अर्थात मांस शहद बेर राय और नशीले वस्तु कार्तिक का व्रत करने वाले को नहीं खानी चाहिए पराया अन्न नहीं खाना चाहिए किसी से बैर नहीं करना चाहिए पर देश गमन नहीं करना चाहिए वह देवता ब्राह्मण गुरु नारी राजा और महापुरुषों की निंदा ना करें अपशब्दों के साथ दिया हुआ भोजन भी व्रती को नहीं खाना चाहिए प्राणी के अंग का मांस जंभीर नींबू और मशहूर से अन्नो, अन्नो के मांस का सामान है इसलिए को नहीं लेना चाहिए, झूठा भोजन भी उसे नहीं करना चाहिए बकरी गाय और भैंस के दूध से अतिरिक्त दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे गए में उत्पन्न नमक इन सब को भी त्याग दें, तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगत गौ का दूध गौ का दही गौ का घी गौ का गोबर गौमूत्र छोटे तालाब में भरा हुआ जल और मांग कर पकाए हुए अन्न को भी त्याग दें। व्रति को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए भूमि पर सोना चाहिए और चौथे पहर पाताल में भोजन करना चाहिए पत्तल में भोजन करना चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगावे और अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए कार्तिक व्रति को लौकी बैगन प्याज लहसुन हींग गाजर मूली साग सीताफल भट्टे कलौजी और कैथे के फल का त्याग करना चाहिए व्रती राजस्वाला स्त्री मलेच्छ पतित नहीं नीच कर्म करने वाले ब्राह्मणों के विरोधी और वेद की बातों को विरुद्ध चलने वालों से बातचीत ना करें ऊपर बताई गई वस्तुएं सूतक का अन्य दो बार पकाया हुआ अन्य था अन्य तथा जल जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कठिन व्रतों को भी करें प्रतिपदा तिथि को कुम्हार्ती को भटकेटिया जंगली बैगन तृतीय को बजंती चतुर्थी को मूली पंचमी को बैल सष्टमी को बटवृक्ष के फल सप्तमी को आंवला अष्टमी को नारियल नौमी को जंगली लौकी दसवीं को परमल एकादशी को बेर द्वादशी को भोज पत्र त्रियोदशी को चौलाई का साग, चतुर्दशी को तुलसी पत्र नहीं खाने चाहिए रविवार के दिन आंवला भी नहीं खाना चाहिए माघ का व्रत करने वाले भी इस नियमों का पालन करें और हरी प्रबोधिनी के अनुसार हरि का जागरण करें इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह से प्रताड़ित किए हुए हाथी भाग जाते हैं विष्णु व्रत को करने वाला यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ होता है क्योंकि यज्ञ करता तो स्वर्ग में जाता है और कार्तिक विष्णु का व्रत करने वाला बैकुंठ विष्णु लोक को प्राप्त होता है इंद्रादि देवगण कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की इस प्रकार रक्षा अच्छा करते हैं जिस प्रकार सेवक अपने राजा की करता है विष्णु का व्रत करने वाला पूजित होकर जहाँ स्थान रहता है वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं ठहर सकते कार्तिक का व्रत विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है अच्छी संतान देकर धन धान्य की वृद्धि करता है जो कोई भी कार्तिक के व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे सभी तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट अध्याय के साथ आठवें अध्याय के साथ तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे बाय बाय फ्रेंड्स बाय बाय